ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। तो टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लेसन 5। कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात किया था, वल्ली कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन 5, जिसमें हमने कुछ साइंटिस्टों का नाम लिया था और वो साइंटिस्ट थे बेटसन, मुलर एंड मॉर्गन। अंडरस्टैंड, बेटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अंडरस्टैंड, मुलर इज द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड मॉर्गन इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अंडरस्टैंड, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात किए थे। अब जिसमें टर्मिनोलॉजी में हमने वेरिएशन की बात किया था, अंडरस्टैंड, इनहेरिटेंस की बात किया था, अंडरस्टैंड, उसमें क्रोमोसोम को हमने बताया था, अंडरस्टैंड। आज टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस मेन टर्मिनोलॉजी जिसको फैक्टर नाम दिया गया। अंडरस्टैंड, फैक्टर की कंडीशन जिसमें मेंडल ने दिया जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे। अंडरस्टैंड, तो फैक्टर, व्हाट इज द फैक्टर? फैक्टर की कंडीशन होता है रिस्पॉन्सिबल एजेंट ऑफ एनी करेक्टर। अंडरस्टैंड, कि उस तरह का एजेंट जो किसी भी तरह के करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका नाम क्या देते हैं? हम फैक्टर नाम देते हैं। अंडरस्टैंड, लेकिन इसके पहले जिस समय ये मेंडल ने पी प्लांट पर वर्क कर रहे थे, तो उस समय हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। अंडरस्टैंड, जिससे कि मेंडल ने उस वर्ड्स का नाम दिया क्या? फैक्टर। अंडरस्टैंड, लेकिन जब हमारी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तब जो है जॉनसन ने इसका नाम दे दिया कि यह फैक्टर नहीं, ये तो जीन है। अंडरस्टैंड, ये फैक्टर नहीं, ये जीन है। अंडरस्टैंड, तो अब इस कंडीशन में फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज द एजेंट ऑफ एनी करेक्टर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एजेंट ऑफ एनी करेक्टर। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नोन एज होमोजाइगस। अंडरस्टैंड, होमोजाइगस की कंडीशन क्या होती है? कि ये पेयर ऑफ फैक्टर। अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन होती है जिसमें कि आपका रिसेसिव फैक्टर एंड पेयर ऑफ डोमिनेंट फैक्टर, दो तरह के आपके फैक्टर आते हैं इसमें, होमोजाइगस में, कि पेयर ऑफ फैक्टर में आपका रिसेसिव फैक्टर अंडरस्टैंड, और रिसेसिव फैक्टर के बाद जो होता है आपका डोमिनेंट फैक्टर भी आता है, डोमिनेंट फैक्टर। अंडरस्टैंड, ये दो तरह के फैक्टर आते हैं, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। तो रिसेसिव एंड डोमिनेंट, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी जो है ये आपका टॉल है, और स्मॉल टी दैट इज नोन एज ड्वार्फ। अंडरस्टैंड, स्मॉल टी दैट इज नोन एज ड्वार्फ। कैपिटल टी इज द डोमिनेंट करेक्टर एंड ड्वार्फ इज द रिसेसिव करेक्टर। अंडरस्टैंड, तो कैपिटल टी डोमिनेंट करेक्टर है और स्मॉल टी दैट इज नोन एज रिसेसिव करेक्टर। अंडरस्टैंड, जिसमें ये कहा जाए कि कैपिटल टी ये डोमिनेंट तो है, लेकिन ये कंडीशन क्या है? होमोजाइगस की है। अंडरस्टैंड, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज नोन एज हेट्रोजाइगस। ये कंडीशन क्या होती है? हेट्रोजाइगस की होती है, और ये कंडीशन क्या होती है? होमोजाइगस की होती है। अंडरस्टैंड, तो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, दो तरह की कंडीशन आपको मिल गई, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद होता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, जो भी आप रख लेते हैं। अंडरस्टैंड,
तो उस तरह की कंडीशन जहां पर कि एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर, अंडरस्टैंड, यदि दोनों कैपिटल लेटर मिलते हैं तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं, अंडरस्टैंड, एक कैपिटल एक स्मॉल मिलता है आपका हेटरोजाइगस की कंडीशन आती है, अंडरस्टैंड, चाहे कोई भी वर्ड्स हो, अंडरस्टैंड, जबकि आपका जो है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस की कंडीशन। नेक्स्ट फैक्टर आपका जो आता है वो फैक्टर आता है, नेक्स्ट फैक्टर ये आपका आता है जीनोटाइप, जीनोटाइप, अंडरस्टैंड, जीनोटाइप की कंडीशन क्या होती है, जीनोटाइप आउट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसको बोलते हैं आउट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, अंडरस्टैंड, आउट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिसको जीनोटाइप, और एक और नाम देते हैं आप जो है फिनोटाइप का, अंडरस्टैंड, फिनोटाइप, अंडरस्टैंड, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की कंडीशन होती है। इसे मान लीजिए कि इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक कंडीशन है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपका जो है जीनोटाइप फिनोटाइप, फिनोटाइप और दूसरा होता है जीनोटाइप, इसमें भी आपका फिनोटाइप, फिनोटाइप एंड दूसरा होता है जीनोटाइप, अंडरस्टैंड, फिनोटाइप की जो कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अंडरस्टैंड, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपके सेकेंड लॉ, लॉ डोमिनेंस में आप जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो वहां पर जैसे मान लीजिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसमें आपका जो आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, अंडरस्टैंड, इसको यदि हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, इसको तो क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो आपको टाल प्लांट आ गए जिसमें 100% क्या मिले, ये आपको टाल मिले, अंडरस्टैंड, लेकिन वही कंडीशन यदि इसको हम सेल्फ करा दें, सेल्फ कराएं, अंडरस्टैंड, कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी, अंडरस्टैंड, तो यहां पर जो रेशियो आएगी फिनोटाइप में जिसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें 3:1 आएगी, अंडरस्टैंड, 3:1, तो जीनोटाइप की कंडीशन क्या होगी, ये आपका 1:2:1 की होगी, अंडरस्टैंड, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जहां पर दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लेते हैं, यहां पर तो 1 contrasting trait लिए, यहां पर 2 contrasting traits लेंगे, अंडरस्टैंड, और 2 contrasting traits में ये आपका कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये 2 contrasting traits है, अंडरस्टैंड, तो अब इस कंडीशन में आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो उसमें फिनोटाइप की कंडीशन क्या मिलती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या मिलती है, 9:3:1 ये कंडीशन मिलती है, लेकिन वही जब कंडीशन आपका जो होता है जब जीनोटाइप देखते हैं तो यहां पर मिलता है 12:24:12:12:1, अंडरस्टैंड, 12:24:12:12:1, अंडरस्टैंड, तो 12:24 मतलब 1:2:4:1:2:1, अंडरस्टैंड, इस तरह की कंडीशन मिलती है आपको हर क्वेश्चन में। तो अब इसको यदि हम देखें कि 1:2:2:4 ये कंडीशन यहाँ मिल जाएगी तो 2, 3, 5, 4, 9, अंडरस्टैंड, 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया, रेशियो 1:3, ये रेशियो 3, उसके बाद 1:3:3 एंड रेशियो 1, अंडरस्टैंड, तो क्या आपका रेशियो आ गई 9:3:3:1 आ गई, अभी बस समझ में। तो ये कंडीशन जो होती है क्या होती है, फिनोटाइप होती है, और ये कंडीशन जो होती है जीनोटाइप होती है, ये आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसमें जीन का एनालिसिस करते हैं, अंडरस्टैंड, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप मॉर्फोलॉजी, अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन जो है इसको अभी हम डिटेल में बताएंगे जब इसका हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे, अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन सेकेंड टर्मिनोलॉजी की हो गई। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो होती है
नेक्स्ट वाला जी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस तो हो गया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन ये आपका जो है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन की बात हो रही है। फर्स्ट फिलियल जनरेशन रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, इसका नाम क्या देंगे, रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स कि दो पेरेंट्स के बीच यदि उसके बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है उसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं F1 जनरेशन। सेकेंड फिलियल जनरेशन दैट इज नोन एज F2 जनरेशन एंड थर्ड फिलियल जनरेशन दैट इज नोन एज F3 जनरेशन, अंडरस्टैंड। तो आपका फर्स्ट फिलियल जनरेशन मतलब ये क्या हुआ कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, अंडरस्टैंड। यहाँ पर दो पेरेंट हमने लिया, एक टाल है और एक क्या है ड्वार्फ है, टाल है तो क्या है होमोजाइगस और ड्वार्फ है तो भी होमोजाइगस की कंडीशन है, अंडरस्टैंड। अब इन दोनों को एक पेयरिंग में लेते हैं मतलब इसको गेमिट्स बनाएंगे तो गेमिट्स आल्सो प्रेजेंट इन द होमो हैप्लॉइड कंडीशन, अंडरस्टैंड, हैप्लॉइड कंडीशन। तो ये आपका जो है कैपिटल टी इसके बाद ये स्मॉल टी तो ये आपका इससे मिलेगा तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कहलाएगी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसमें क्या होंगे ऑल प्लांट्स आर टॉल बट होमोजाइगस नॉट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, अंडरस्टैंड। यदि हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो लगेगा कि सभी प्लांट टॉल है, लेकिन वही जेनेटिकल या जीनोटाइप यदि उसका देखते हैं तो ये लगेगा हम क्योंकि टाल तो है लेकिन इसमें 50-50% का रेशियो है, 50% जो है टाल के इसमें करेक्टर है तो 50% जो है ड्वार्फ के करेक्टर है, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन है। लेकिन अब इसी फर्स्ट फिलियल जनरेशन को यदि हम सेल्फ करा दें तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी, तो पुणे टाइम चेकर बोर्ड के थ्रू हम क्या कर दें इसको हम क्रॉस करा दें तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या रेशियो आ गई 1:2:1 आ गई, मतलब एविटाल जीनोटाइप देखेंगे तो क्या कंडीशन है, फिनोटाइप देखेंगे तो क्या कंडीशन होगी कि 75% जो है क्या हो गए टाल हो गए और 25% क्या हो गए ड्वार्फ हो गए, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन आपकी कहलाएगी F2 जनरेशन, क्या कहलाएगी F2 जनरेशन, अरे वसन में। तो F2 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपकी टर्मिनोलॉजी की होती है कि जितने मेंडेलियन में टर्मिनोलॉजी होती है, इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस की बात करेंगे, अंडरस्टैंड। आज जो है इतना ही हम एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड। बाय स्टूडेंट्स।